नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में आता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एनवी रमन की संविधान पीठ ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत लिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरटीआई के तहत जवाबदारी से पारदर्शिता और बढ़ेगी, इससे न्यायिक स्वायत्तता पारदर्शिता मजबूत होगी। संविधान पीठ ने कहा कि इससे मजबूती मिलेगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सीजीआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सभी जज आरटीआई के दायरे में आएंगे। महाराष्ट्र में नए राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में मामले का विशेष उल्लेख नहीं किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में निर्णय को लेकर कुछ अतिरिक्त मोहलत नहीं दिए जाने के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ शिवसेना को शीर्ष अदालत में मामले का विशेष उल्लेख करना था, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद पार्टी का विशेष उल्लेख करने से पीछे हट गई। शिवसेना के वकील सुनील फर्नांडिस ने बताया कि मंगलवार रात राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में निर्णय को लेकर कुछ अतिरिक्त मोहलत नहीं दिए जाने के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ मंगलवार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 16 दिनों से चले आ रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रावास शुल्क में वृद्धि को आंशिक रूप से वापस लेने का फैसला किया। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर आखिरी क्षणों में इसके आयोजन स्थल में बदलाव किया गया और इसे परिसर के बाहर आयोजित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने ट्वीट किया कि जेएनयू कार्यकारिणी परिषद छात्रावास शुल्क और अन्य नियमों को बहुत हद तक वापस लेने का फैसला करता है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके EBUS के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता की एक योजना का भी प्रस्ताव किया गया है। कक्षा में लौटने का वक्त आ गया है। परिषद जेएनयू की फैसला करने वाले सर्वोच्च संस्था है। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और समीर वर्मा हांगकांग ओपन के पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए। 8वीं वरीयता प्राप्त साइना पिछले 6 टूर्नामेंट में 5वीं बार पहले ही दौर में हारी है। इस साल जनवरी में इंडोनेशिया मास्टर्स जीतने वाली साइना को चीन की केई यान यान ने लगातार दूसरी बार 21-13, 22-20 से हराया। पिछले सप्ताह भी वह केई से हारी थी। दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी समीर 54 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के वांग जू बेई से 11-21-21 पैच। वांग जू बेई से 11-21-21-13, 8-21 से हार गए। यह पहले दौर में उनकी लगातार तीसरी हार है। साइना और समीर दोनों को अगले सप्ताह ग्वांगझू कोरिया मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट खेलना है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।